ब्रह्मपुरी में शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भव्य तरीके से मनाई गई। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। रैली में कौन कौन मौजूद थे, आइए जानते हैं इस खबर में। ब्रह्मपुरी शहर में तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाई गई। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर अपनी संस्कृति का संरक्षण कर संवर्धन किया। उनकी वीरता आने वाले प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी ठहरे, इसके लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रह्मपुरी शहर में शिव जयंती उत्सव समिति ब्रह्मपुरी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मौके पर भव्य दिव्य ढोल ताशे की गजर में डीजे की धुन पर नेत्र दीपक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र के अधिकृत उम्मीदवार तथा विद्यमान सांसद अशोक नेते, साथ ही चिमूर गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रभारी तथा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अतुल देशकर ने इस आनंदोत्सव में उपस्थित रहकर शिव जयंती उत्सव समिति ब्रह्मपुरी के शिव भक्तों का आनंद दो गुना किया। शिवाजी महाराज के विचार और उनकी शौर्य गाथा घर घर पहुँचे, इसके लिए शिवराया की पालखी इस समारोह का आयोजन करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इस जय घोष से ब्रह्मपुरी शहर गूंज उठा। साथ ही बाल गोपालों ने विविध वेशभूषा परिधान कर महापुरुषों की प्रतिमा साकार करते हुए शिव जयंती मनाई। इस समय जिला उपाध्यक्ष प्रणय खुने, अरुण हरडे, भारत खटी, साथ ही बड़ी संख्या में ब्रह्मपुरी वासी बांधव, युवा वर्ग, साथ ही बाल गोपाल शामिल हुए थे। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि मधुकर मिश्राम की रिपोर्ट।